आई कैन ईट एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट, बट मैं ओवरडू नहीं करता. वर्कआउट के बाद अगर आप आराम ना दे पाएं तो वो एक्चुअली आप फायदे के बजाय नुकसान कर रहे हैं अपना. दशहरे वाले दिन जलेबी, त्योहार वाले दिन वो चीज़ खाना अच्छा लगता है. इतने वक्त से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में एंड फिट और हिट भी है गौरव, तो लेट्स सी फिटनेस सीक्रेट्स क्या क्या है आपके. आर यू रेडी? यप, लेट्स गो. So are you one of those blessed souls who can eat anything and get away with it? Yes, I can eat anything and get away with it. But मैं overdo नहीं करता. अगर आज थोड़ा मीठा खा लिया तो फिर एक दो दिन तक नहीं खाता. अगर लगातार दो तीन दिन ऐसा कुछ हो गया तो फिर अगले चार पाँच दिन छः दिन फिर उसको बैलेंस आउट कर देता हूँ. किसी भी चीज़ से खुद को रोकता नहीं पर किसी भी चीज़ को overdo नहीं करता. Okay, what do you usually eat for breakfast, lunch and dinner? Very simple. I have only two meals a day normally thoda protein centric hota hai, but aisa nahi ki carbs nahi hote. Thoda sa rice, ek chhota sa portion roti hamesha hota hai saath mein. Salad hona bahut zaruri hai. Din mein ek serving of fruit bahut zaruri hai, khaskar seasonal fruit. Please don't fall for 12 mahine wale fruits. हर फ्रूट का एक मौसम होता है और नेचर की एक वजह, एक रीज़न होती है कि उस सीज़न में वो फ्रूट क्यों आता है. तो प्लीज़ अपना दिमाग लड़ाने के बजाय नेचर पर छोड़ दीजिए और जिस मौसम में जो फ्रूट और सब्जी आए वो खाइए. ग्रेट. अराउंड व्हाट टाइम यू हैव योर लास्ट मील? आई फिनिश माई फूड बाय अबाउट 9:30 एंड देन आई मेक श्योर दैट आई एम स्लीपिंग बाय अबाउट 12. ओके. आर यू एन अर्ली राइज़र और नाइट आउल? I am a night crawler. Okay, your favorite meal of the day? My favorite meal of the day is my fruit snack, which can be any time of the day, but I look forward to it because I naturally, genuinely enjoy having fruits. Okay, favorite cuisine? Change hoti rehti hai. Aajkal Italian hai. Koi bhi waqt. जिसके बाद आप अपने शरीर को फिर करेक्ट रेस्ट दे सकें. वर्कआउट के बाद अगर आप आराम ना दे पाएँ तो वो एक्चुअली आप फ़ायदे के बजाय नुकसान कर रहे हैं अपना. सो एनी टाइम ऑफ द डे जिसके बाद आप रेस्ट कर सकें. इफ़ यू वांट टू यू नो वर्कआउट इन द मॉर्निंग, जस्ट मेक श्योर एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटे का रेस्ट उसके बाद आपकी बॉडी को मिल जाता है. एनी स्ट्रिक्ट नो नो इन योर डाइट? आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक. ओके. हेल्दी, योर फेवरेट हेल्दी मंचीज? पीनट्स, मखाने, चना विद गुड़, आई लव इट. योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? ओ, फेवरेट स्ट्रीट फूड एवरीथिंग. आई लव इट. वंस इन अ वाइल जब आदमी खुद को अलाउ करे तो फिर सोचना नहीं, खा लो जो मन करे. ओके. योर फेवरेट डिश फॉर चीट डेज? लाइक चीट डेज होते हैं आपके लिए? नहीं, ऐसा कोई चीट डेज वाली बात नहीं. लाइक आई सेड, मैं सिर्फ भी कुछ खा लेता हूँ. बट सर्दियों में अगर आप नॉर्थ इंडिया जाएँ तो गाजर का हलवा खा लें. वो दाल का हलवा भी बहुत अच्छा होता है वो सर्दियों में वहाँ. मूंग दाल का हलवा, बादाम का हलवा, ये सब थोड़े से गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, सर्दियों में वहाँ बहुत अच्छी लगती हैं. अदरवाइज जो हमारा इंडियन फेस्टिवल फूड है वो मुझे पसंद है. वो पूड़ी, पूड़ी के साथ वो हलवा, हलवा के साथ वो चने, आई लव इट. ये जो हमारे फेस्टिवल फूड हैं, जिस दिन त्यौहार हो, दिवाली वाले दिन जलेबी, दशहरे वाले दिन जलेबी, त्योहार वाले दिन वो चीज़ खाना अच्छा लगता है. ओके. एनी लाइफस्टाइल चेंजेस यू हैव मेड ओवर द इयर्स? मैं अब उतना जिम नहीं जाता. अब जिस किस्म का रोल है उस किस्म की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब खाना, डाइट, आराम के साथ मोस्टली काम चलाता हूँ. Any fitness tip you want to give to your fans? The only tip really is to be honest to yourself. गाड़ी में उतना पेट्रोल डालिए जितनी गाड़ी चलानी है. अगर सारा दिन घर बैठने वाले हैं तो इतना पेट्रोल क्यों डालना है गाड़ी में? बस इस बात का ख्याल रखिए, एवरीथिंग विल बी ओके.